खेला जाता है उसमें जो बैडमिंटन कोर्ट होता है उसका मेजरमेंट कितना है दैट इज लेंथ इज थर्टीन पॉइंट फोर वन मीटर एंड वाइव पॉइंट वन एट मीटर कॉर्ट आंसर इज ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यर वाज टू थाउजेंड एटीन विंटर ओलंपिक्स वाज हेल्ड इन सो टू थाउजेंड एटीन में जो विंटर ओलंपिक्स हुआ था वो कहाँ पे हुआ था वो हुआ था पियंग चांग जो कि साउथ कोरिया में है कॉर्ट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पॉपुलेशन डेन्सिटी ऑफ आसाम आसाम का पॉपुलसन डेंसिटी कितना है कॉर्ट एंसर इज थ्री फोर्टी परसेंट पर किलोमीटर स्क्वायर ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डीड क्रिस्टोफर कॉलम्बस डिस्कवर द वेस्टइंडीज क्रिस्टोफर कलम्बस कब वेस्टइंडीज डिस्कवर किए थे दैट इज इन द इटीन नाइनटी टू एडी कॉर्ट एंसर इज ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन वाट इज द इंडस वैली कल्चर कॉल्ड हरोप्पा कल्चर मतलब जो भी इंडोस वैली जो कल्चर था उसको हरप्पा कल्चर क्यों बोला जाता है वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी फास्ट डिस्कवरी हुआ था दैट कम्स फ्रॉम हरप्पा कॉर्ट एंसर इज ऑप्शन ए तो जो हरप्पा जो सिविलाइजेशन है इंडोस वैली जो टर्म है ना वो कौन दिए थे वो दिए थे जॉन मार्शल लार्जेस्ट इंडोस वैली सिविलाइजेशन नेम इज मोहनजोदारो एंड फास्ट इंडोस वैली सिविलाइजेशन साइट इज हरोप्पा और देर आर सम इम्पोर्टैंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लाइक हरप्पा मोहनजोदारो छोदारो लोथल कालीबंगन एंड बनवा ढोलाबीरा लाटेस्टली लाटेस्ट जो भी डिस्कवर हुआ है वो है ढोलाबीरा डिस्कवर बाई जेपी जोशी बनवाली जो कि सरस्वती नदी के किनारे है डिस्कवर बाई आर एस बीस्ट नाइनटीन थ्री में और महेन्जोदारो जो कि इंडस नदी के किनारे में है इंडस नदी जिसको हम सिंधु माता भी बोलते हैं इंडस नदी के किनारे में डिस्कवर बाय आर डी बानर्जी इन द ईयर ऑफ 1922 एंड हरोप्पा जो कि रबी नदी के किनारे में है जो पाकिस्तान में है डिस्कवर बाय दयाम साइनी इन द ईयर ऑफ 1921 नेक्स्ट व्हेन एंड होर एथलेटिक्स इंट्रोड्यूस इन द ओलंपिक्स तो एथलेटिक्स ओलंपिक्स में कब इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था एटीन में सिक्स मेंस में फटेलाइट नेटो आर्योब कब लॉन्आ था वो था 1975 तो हुआ था नाइव में इसरोन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो इसरो कब इस्टीन सिक्सटी नाइन में हम हमारा पहला सेटेलाइट आर्यभट सेंड किए थे नेक्स्ट क्वेश्चन ट इज द मेजरमेंट ऑफ द वॉलीबॉल कोर्ट वॉलीबॉल कोर्ट का मेजरमेंट कितना है रोल ऑफ डब्लू टी ओ दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है टू सेटल ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन नेशन दिस वन इज करेक्ट टू वाइडन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड

500 AD to 1600 AD, it is the movement that influenced the development of regional language because it emphasized people's everyday speech. So, correct answer is both the option A and B are true regarding to Bhakti movement. Correct answer is option C. This is the end of the video. I hope you all enjoyed this video. Thank you for watching. Stay healthy and keep learning.